बसम्स अल्लाम नाज्रीन वैसे तो हमारे माषरे में हर तरह के लोग पाए जाते हैं और अच्छे भी हैं बुरे भी हैं बहुत बुरे भी हैं बहुत अच्छे भी हैं लेकिन इसी माशरे का जो असर है वो हमारे डिपार्टमेंट्स में भी पाया जाता है सब महकमों की मैं में बात कर रहा हूँ जो हमारे मुल्क में हैं पहले रिश्वत लेना गुनाह समझा जाता था अब रिश्वत लेना स्वाब समझा जाता है और उसके बग़ैर कोई काम आपका पाकिस्तान में तो नहीं होता जी बहुत कम लोग हैं जो रिश्वत नहीं लेते लेकिन रिश्वत नहीं लेते तो वो रूड इतने होते हैं कि लोग हाथ बांधते हैं कि आप पैसे ले लें लेकिन हमारा काम कर दें हमसे दस दस बीस बीस चक्कर नहीं लगाए जाते नाजरीन आज जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त मियाँ मकबूल साहब रिटायर्ड डी के हैं मेरे बहुत से ब्लास में मियाँ मकबूल साहब का ज़िक्र आता है और एक अच्छे पुलिस ऑफिसर और मज़ा हर पहलू में उनकी बात में जब भी बात करनी मज़ा होनी और ये रिटायर्ड हुए जी मुझसे थोड़ा पहले और फिर आ, ये भावलपुर में रह पजीर हैं तो नाजिन इनकी मिसेज़ जो हैं हमारी भाभी हो गई उनको प्रॉब्लम हुआ हार्ट का आ, पहले एनजियोग्राफी कराई गई तो पता चला कि जी नहीं इससे गुजारा नहीं होगा ओपन हार्ट सर्जरी होगी अब एक रिटायर्ड डीएसपी जिस जो बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे नहीं हैं वो फिर इधर उधर देखता है और उसे फ़ील होता है कि यार वो जो कार्ड था हमारा हेल्थ कार्ड उसी पर ज़ाहिर हम कराएंगे तो मियाँ मकबूल साहब गए जी हॉस्पिटल वहाँ भाबलपुर में तो एम एस साहब ने कहा जी हमारे पास तो ओपन हार्ट सर्जरी की कोई फैसिलिटी नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियालॉजी में नाज्रीन इंस्टीट्यूट ऑफ़ कार्डियालॉजी मुल्तान भी खुदा की एक नहमत है जनूबी पंजाब के लोगों के लिए और जहाँ बहुत से क्रेडिट जाते हैं परवेज़ लाई साहब को वहाँ ये क्रेडिट भी जो है उन्हीं के खाते में जाता है कि उन्होंने वन वन टू टू के साथ साथ परवेज़ लाही वाला ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियालॉजी हैं मुख्तलिफ़ शहरों में वह उन्होंने बनाए अब वो बेचारे जेल में हैं खैर छोड़ें इसमें फिर सियासी बात हो जाएगी तो नाजरीन मियाँ मकबूल साहब को रिकमेंड किया गया कि जी आपने जाना है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियालॉजी तो वहाँ गए उन्होंने उन्हें टाइम दिया गया कि जी आप को टाइम लगेगा पहले तीन माह का टाइम दिया गया था फिर वो टाइम पूरा हुआ जब तो वो आए आ, अब नाजरीन ये भी यहाँ छोटा सा मैं डिस्कस कर दूँ कि जो इतना लंबा टाइम दिया जाता है वो शायद इसी भी दिया जाता है कि जी जो पेशेंट है उसका काम हो जाए काम तमाम हो जाए तो डॉक्टर्स की भी मज़े और सबके मजे जी खैर वो तो उस बंदे की कीमत वही उसी का ख़ानदान जानता है ना जिसका वो फ़र्द है नाजरीन सात तारीख को मियाँ मकबूल साहब ने अपनी मिसिस को इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियालॉजी मुल्तान में एडमिट कराया ऑपरेशन था उनकी ओपन हार्ट सर्जरी थी तो वहाँ आके मालूम हुआ कि जी इनको तो वार्ड में रखा जाएगा ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन तो खैर फ्री था लेकिन उनके जो बाकी चीज़ें थी कुछ अद्वियात थी खून की बोतलें थी ये सारी उन्होंने करनी थी तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि जी आप इन टाइटल हैं सेवनटीन स्केल में आप रिटायर्ड हुए हैं तो आप क्यों नहीं एक डाकेट बनवा लें ये वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियालॉजी के ही जो प्रिंसिपल हैं या वहाँ का जो स्टाफ है रजिस्ट्रार हैं उन्होंने इनको मशवरा दिया तो मिया मकबूल साहब ने आर ओ मुल्तान को अप्लाई किया क्योंकि वो मुल्तान से आ, ब, मुल्तान हॉस्पिटल में आ, ये ऑपरेशन करा रहे थे भावलपुर में तो था नहीं बावलपुर वालों ने कहा जी अगर हमारी डोमेन में होगा तो हम बनाएंगे डाकेट ये भी जो लीगल काम होते हैं महकमों के वो भी बड़े मुश्किल होते हैं नाजरीन कोई उस सभी कलीमुल्ला वाला काम होता है कि समी, समी ने कलीमुल्ला को बाल दी और कलीमुल्ला ने समियल्ला को बाल दी तो मियाँ साहब ने कहा किसी ने मशवरा दिया कि जी आप यहाँ किराए पर घर ले लें उसी का एड्रेस दे दें तो अब मियाँ साहब ने वहाँ किराए पर घर ले लिया और उसके बाद एड्रेस दे दिया वही कि जी ये मेरा घर है जी और मैं यहाँ हूँ जी तो शायद उन्हें वो जो इनटाइटल हैं रूम साइड रूम मिल जाए और कोई उनका फ़ायदा हो जाए क्योंकि साइड रूम्स बड़े महंगे होते हैं लेकिन कंफर्टेबल होता है साइड रूम में रहना रखना अपने मरीज़ को आईसीयू के बाद अब जी मियाँ साहब को दरख्वास्त देनी थी जी वो आर ओ साहब मुल्तान हैं जी एक एस पी हैं ताहिर मुस्तफ़ा साहब सात तारीख को एक दरख्वास दी गई डाकेट बनाने के लिए अब नाजरीन डाकेट जो है ये बड़ी कामन चीज़ है, है कोई कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी हॉस्पिटल में जाएगा चाहे वो रिटायर्ड है हाजिर सर्विस है तो उसे एक डाकेट बनवाना पड़ता है और वो डाकेट के लिए डिपार्टमेंट उसे अलाउ करता है एन ओ सी देता है कि जी वो जाए हॉस्पिटल में लेके जाए कि जी मैं वाकई यहाँ का आ, मैं मुलाजिम था या मुलाजिम हूँ सात तारीख का जो ताहिर मुस्तफ़ा एस पी साहब हैं वो डाकेट रख के बैठे रहे और उन्होंने आज तक उस पर साइन नहीं किए मिसेज मकबूल जो हैं हमारी भाभी मियां मकबूल की मिसेस वो हॉस्पिटल में थी जिंदगी और मौत की कश्मकश में ओपन हार्ट सर्जरी होनी है और इतनी बेहिसी है इस महकमे में आप देखें कि वहाँ लोगों ने बहुत सी बातें की और उन्होंने कहा जी आप क्यों इसकी मिनतें कर रहे हैं जो आर ओ साहब हैं आप पाँच हज़ार लिफाफे में डाल के पीए को दें तो आपका डाकेट साइन हो जाएगा और उसके बाद वो उसने वो साइन नहीं किया आज तक फिर मियां मकबूल साहब ने उसे कहलवाया आर ओ भावलपुर हैं आबिद वडैद साहब बड़े अच्छे भाई हैं हमारे छोटे उन्होंने कहा तैमूर ख़ान साहब ने सिफारिश की तैमूर ख़ान भी डीजी खान के हैं तैमूर ख़ान साहब मेरे बैच मेट हैं जो एस पी रिटायर हुए और ये भी साहब जो हैं ताहिर मुस्तफ़ा साहब ये भी डी जी खान के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और ना ही डाकेट पे साइन किए फिर अप्रोच किया गया जी आबिद वडाज को क्रेडिट जाएगा सारा अल्लाह उसे खुश रखे उसने एडिशनल आई जी साहब जुल्फकार हमीद साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब इस तरह डाकेट चाहिए। रिटायर्ड आदमी है और उसका राइट है वो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा तो कमाल मेहरबानी करते हुए ्फ़ार हमीद साहब को उन्होंने फ़ौरी तौर पे डाकेट इशू किया ये डाकेट की कॉपी आप देख लें ये यहाँ लाहौर से इशू हुआ लेकिन उस शख़्स ने जो मुल्तान में बैठा हुआ है आर ओ और इसी महकमे का हिस्सा है कल को ये तकलीफ़ उसे हो सकती है उसकी बीवी को हो सकती है उसकी फैमिली मेम्बर को हो सकती है लेकिन बेहसी है आप देखें ये वो गिधे हैं ये वो गिधे हैं मैं फिर कहूँगा जो अपने डिपार्टमेंट को भी माफ़ नहीं करती आप तो लोगों की बात करते हैं कि जी लोग लोग बेचारे मजलूम हैं एक वेरिफिकेशन कराने के लिए हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं मस्जिद मंदिर गिरजा घर की वेरिफिकेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं स्पेशल ब्रांच में और समझा यह जाता है कि स्पेशल ब्रांच तो यतीम महकमा वहाँ कौन सी इनकम है हज़ारों रुपए ये आर खाते हैं जी पेट्रोल की मद में शो काज नोटिस की मद में मुलाजिम किसी की इंक्वायरी हो गई उसमें शो काज फाइल करना है इंक्वायरी फाइल करनी है इसमें पैसे लिए जाते हैं पेट्रोल जो होता है उसके ये पैसे खाते हैं कोई चीज़ ऐसी नहीं मुलाज़मीन को जो सरकारी मुलाजमी है उनको भी ब्लैक मेल किया जाता है ये सारी चीज़ें बड़ी आम हैं स्पेशल ब्रांच में लेकिन कोई इसकी तरफ देखता नहीं और समझा यह जाता है कि जी ये तो यतीम महकमा है इसमें किसने पैसे देने हैं तो सर इसमें भी सब कुछ है वो कहा जाता है कहा गया था कि एक थानेदार को कि जी मुझे आप दरिया की समंदर की लहरें गिनने पे लगा दो तो मैं वहाँ से भी पैसे ले सकता हूँ ये बड़ी पुरानी मशहूर मिसाल है तो नाजरीन आ, ये हालात हैं जी वो मैं तो उसे गिद्ध ही कहूँगा उस बंदे को पहले मैंने एक ढोडर कह का भी किस्सा आपको सुनाया था ये भी उसी ढोडर कह में से एक गिद्ध है जो ये ये भी उसी बैच के हैं मेरे ख्याल में या मुझे नहीं पता मैंने कभी इनका नाम पहले नहीं सुना था हर मकसूद साहब का लेकिन आप यकीन जाने इंतहाई तकलीफ़ हुई उनके इस अमल से और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आई साहब से जहां वो इतने अच्छे काम करते हैं वहां ये भी कर दें कि सर ये डाकेट जो है इसको भी कोई आप नया रंग दे दें रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन डाकेट कहाँ से जा कर बनवाएं आप इन्हीं के शनाख्ती कार्ड को या पुलिस कार्ड इनका आप जारी कर दें वही इनका डाकेट होना चाहिए कि जहाँ जाके अगर वो सबमिट करें उसको और उसको स्कैन किया जाए तो पता चल जाए कि जी वाकई ये मुलाजिम रहा है कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जहाँ आप आईटी में इतने अच्छे काम कर रहे हैं एस एन साहब को भी मैं आई टी का क्रेडिट दूंगा और उनसे भी दरखास्त करूँगा कि सर कुछ ऐसा बना दें जिसमें ये जो रिटायर्ड मुलाजमी है आपके वो भी दर दरबदर ना हो और वही आपका जो कार्ड है वही डाकेट होना चाहिए कोई भी चला जाए हॉस्पिटल जाए तो वो पहले ये तो नहीं है ना कि जी मरने से पहले उसने डाकेट ज़रूर बनवाना है बंदा बीमार हो गया तो पहले वो जाएगा डाकेट बनवाने के लिए आपने एक और एक्ट भी किया है बहुत अच्छा अमल है कि जब मजरूब पहले उनको थाने पर ले जाया जाता था किसी लड़ाई झगड़े में तो उसके बाद वहाँ से एक डाकेट बनता था वो और वो फिर हॉस्पिटल लाया जाता था तो उसी तरह का आप हॉस्पिटल में कोई ऐसा बना दें कि वही लोग जो डील कर रहे हैं आपकी उस जरर के मुकदमात में वही पुलिस मुलाजिम को भी डाकेट उसका बना के दे दें और आप ट्रस्ट करें उन पे कि जी वो ऐसा कुछ नहीं करते तो ये जो ढोडर कहाँ से गिद का तक सफ़र मैंने आपको सुनाया कि ये गिद किस तरह नोचते हैं अपने डिपार्टमेंट के लोगों को और ये किसी को माफ़ नहीं करते जो इस टाइप के लोग होते हैं उनमें अवाम हो या उनके महकमे के लोग हों सब के लिए इन्होंने एक ही छुरी रखी हुई है और उसी से ये जिबा करते रहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया